आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके सोशल फार्मेसी में भी है और आपके बायोकेमिस्ट्री में भी है। बायोकेमिस्ट्री आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में पढ़ना है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में आपको जो सोशल फार्मेसी है उसमें आपका एक टॉपिक है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इनकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर एंड मिनरल्स। जैसा कि आप जानते हैं, पानी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। कहा जाता है जल ही जीवन है, ठीक है। हवा और पानी के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हवा में उसको ऑक्सीजन चाहिए और ड्रिंकिंग के लिए वाटर चाहिए। हो सकता है कि व्यक्ति शाम तक कुछ ना खाए तो जिंदा रह सकता है, लेकिन एटलीस्ट पानी बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारी बॉडी में 70% तो वाटर होता है, ठीक है। सेल के अंदर भी पानी होता है, सेल के बाहर भी पानी होता है, और यदि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो हम उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी, पानी की कमी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, जिसकी वजह से लूज मोशन हो सकते हैं, डायरिया की कंडीशन बन सकती है, और हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के डिसबैलेंस की वजह से हमें ट्रैमर्स आ सकते हैं और हमें चक्कर आ सकते हैं। हमारा चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है उसमें वाटर का, सोडियम का और क्लोराइड का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ 60-70% ऑफ वाटर, और बाकी का दूसरे मासेस होते हैं। इंट्रासेलुलर वाटर होता है 50%। सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको इंट्रासेलुलर कहते हैं, सेल के बाहर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर की क्वांटिटी होती है 20% और इंट्रासेलुलर की होती है 50%। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, प्लाज्मा में भी वाटर होता है तो इसमें 7.5% वाटर होता है, और इंटरस्टियल फ्लूड में भी वाटर होता है जो कि 20% होता है। अब इंटरस्टियल फ्लूड क्या होता है? हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है सेल। सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, तो दो सेल के बीच में जो स्पेस रहता है उस स्पेस पे हम इंटरस्टियल फ्लूड कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में भी वाटर प्रेजेंट रहता है जो कि 15% रहता है। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है। हमारी बॉडी में पानी की कमी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डिहाइड्रेशन और सेकेंडरी। प्राइमरी का कारण है, यदि कोई पेशेंट कोमा में है या उसको गिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो पानी नहीं पी पाएगा, तो ये कारणों की वजह से पानी की कमी यदि होती है तो हम इसको प्राइमरी डिहाइड्रेशन कहते हैं। सेकेंडरी डिहाइड्रेशन किसकी वजह से होता है? सोडियम और क्लोराइड आयन के लॉस की वजह से। यदि हमारी बॉडी में सोडियम रिटेन करेगा तो वाटर रिटेन करेगा, और सोडियम यदि एक्सक्रीट आउट होगा तो वाटर भी एक्सक्रीट आउट होगा। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाने का काम होता है किडनी का। किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। जब खून किडनी से होके गुजरता है तो उसमें से किडनी जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होती है उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसको हम राफ सिस्टम कहते हैं, ये सिस्टम हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इसके थ्रू हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन किया जाता है। क्योंकि यदि हमारे बॉडी में वाटर कम हो जाएगा तो हम हाइपोवॉल्मिक कंडीशन में चले जाएंगे, जिससे हम लो बीपी की वजह से जान भी जा सकती है पेशेंट की। 1 मिनट। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, नर्व में कंडक्शन के लिए सोडियम और पोटेशियम के थ्रू पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये सारी प्रोसेस होती है जिससे नर्व में कंडक्शन होता है। तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इसके लिए हमको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे आयन होते हैं जिसपे इधर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम कैटायन कहेंगे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो हम उसको एनायन कहेंगे। तो ये दोनों जो आयन है ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और नर्व का कंडक्शन होगा। तो मिनरल हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो हमारी बॉडी में एक होता है ऐसे मिनरल जो लेस अमाउंट में चाहिए, और एक वो होते हैं जो ट्रेस अमाउंट में चाहिए। हम दोनों ही डिस्कस करेंगे, उनके सोर्सेस क्या है और हमारी बॉडी में इनके क्या रोल है, और इनकी डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में कौन से मेडिकल कंडीशंस डेवलप होंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इसका जो बेस मिनरल है वो कैल्शियम और फास्फोरस है। तो ये दोनों बहुत जरूरी है बोन के फॉर्मेशन के लिए, टीथ के फॉर्मेशन के लिए, और ब्लड में जो कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। आपने कोएगुलेशन पढ़ा होगा, उसमें जो फोर्थ फैक्टर होता है वो कैल्शियम होता है। विटामिन की भी जरूरत पड़ती है, और नर्व कंडक्शन के लिए जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है वेसिकल्स रैप्चर के बाद, तो वेसिकल्स को रैप्चर करने का जो मैसेज होता है उसको कैल्शियम कैरी करता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? जहां पर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं।
तो साइनेप्टिक क्लैट से जो ट्रांसमिशन होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू होता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर का जो रिलीज है वो कैल्शियम पे डिपेंड करता है। मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से होता है, और ये दोनों को एक्टिवेट करता है कैल्शियम। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व कंडक्शन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, हमारे बोन और टीथ के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। यदि हम पनीर खाएं, दूध खाएं, दही खाएं, है ना, या हम चूना चूना पान में खाते हैं तो उसमें भी कैल्शियम होता है। तो ये कैल्शियम के रिच सोर्सेज हो गए। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, बोन्स कमजोर हो जाती है, एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। बोन कमजोर कब होता है? जब हमारी ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन से कैल्शियम डीमिनरलाइज होता है। तो ब्लड में तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है लेकिन हमारी बोन्स कमजोर हो जाती है। तो ये कंडीशंस डेवलप होती है कैल्शियम की कमी से। और हमारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पीटीए जिसको हम कहते हैं, वो एक हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, तो वो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन हमें आपने एनएसीएल सुना होगा, है ना, नमक, एनएसीएल। तो जब हम नमक खाते हैं तो उससे हमको क्लोरीन मिल जाता है। क्लोरीनेटेड पानी पीने से, या हम कोई सी फूड खाते हैं, तो ये क्लोरीन के सोर्सेज होते हैं। क्लोरीन का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है? ये पीएच के बैलेंस को बनाए रखता है और हमारे स्टमक में एसिड के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। हमारी बॉडी में एसिड कैसे प्रोड्यूस होगा? पेराइटल सेल्स H+ आयन अवेलेबल कराएंगे और वो सीएल के साथ जब कनेक्ट होंगे तो HCl बना लेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? पीएच का बैलेंस बनाना। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। आपने सुना होगा ये जो प्लांट्स होते हैं ये हरे क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का जो बेस मिनरल होता है वो मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम उसको हरा कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो हीम आयरन होता है वो रेड कलर शो करता है, जिस वजह से हमारा खून लाल होता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से। और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन, और उसमें जब आयरन जुड़ता है तो हीमोग्लोबुलिन बनाता है। तो आयरन की भी हमारी बॉडी में जरूरत पड़ती है, आगे देखेंगे हम। तो ऐसे ही क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। इसलिए प्लांट आपने देखा होगा हरे हमें नजर आते हैं, है ना। तो मैग्नीशियम हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, सी फूड से मिलता है, और ये मसल्स रिलैक्सेशन और नर्व को रिलैक्स करता है। यदि इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो कन्वर्जन आ सकते हैं। कन्वर्जन मतलब होता है झटके आना बॉडी में, जर्क आना बॉडी में, है ना। मिर्गी के पेशेंट आपने देखे होंगे कभी, तो उस टाइप के मतलब बॉडी में कंडीशन बनती है। हेलुसिनेशन मतलब होता है दिन में आपको सपने जैसे दिखना, जब आप सोते हो तो आपको अजीब अजीब टाइप के सपने दिखना, है ना, ये हेलुसिनेशन होता है। भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, सामने कुछ नहीं है लेकिन वो आपको दिखने लगता है, तो हेलुसिनेशन भी कॉज होता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से। अब हम फॉस्फेट की बात करते हैं। तो फॉस्फेट आपका डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, मछली से मिलेगा, मांस से मिलेगा, और ये हमारे बोन और टीथ के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और हमारा जो बायो मेम्ब्रेन होता है, हमारे जो कोशिका का मेम्ब्रेन होता है जो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, तो उसमें भी फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्लीडन और स्वान नाम के साइंटिस्ट ने जब सेल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था तब उन्होंने बताया था कि इसमें फॉस्फोलिपिड बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें हेड और टेल होता है, तो फॉस्फेट वहां पर भी प्रेजेंट रहता है। और डीएनए आरएनए की सिंथेसिस होती है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और ये कहाँ पर बनता है? ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, जो माइटोकॉन्ड्रिया में फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज का, उसके थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, फॉस्फेट की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे, कार्डियक मसल्स हमारे कमजोर पड़ जाएंगे, है ना, और हमारी बोन्स कमजोर पड़ जाएगी। तो ये फॉस्फेट का रोल हुआ। अब हम बात करते हैं सोडियम की। ठीक है, सोडियम की हमारी डेली नीड कितनी होती है? 15 mg पर डे हमें चाहिए। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलता है? नमक से मिलेगा, और वीट आटे से हमें मिलता है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके, है ना, जो रॉक सॉल्ट होता है वहां से भी मिलता है। तो ये मसल्स की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नर्व कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि सोडियम की कमी हो जाए तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आ सकता है, डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। पोटेशियम की यदि बात करें तो पोटेशियम हमें मीट से मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा, और वेजिटेबल्स से मिलता है, और ये नर्व कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो सोडियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट में प्रेजेंट होता है, और जो पोटेशियम है वो इंट्रा सेलुलर फ्रूट में प्रेजेंट रहता है। अब हम सल्फर की बात करें तो उसका सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे और मीट से हमें मिलता है। और ये स्किन को हेल्थी बनाए रखने के लिए, नेल्स को और हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा
जरूरी होता है। हमारी बॉडी में 26 टाइप्स से मिनरल पाए जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए, है ना, जैसे आयोडीन हुआ। आयोडीन हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए। आयोडीन से हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, थायरोक्सिन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। और यदि थायरोक्सिन कम हो जाए तो हम उसको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन बोलते हैं। हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपो मतलब कम होना। आयरन यदि हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होना मतलब एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है ना। और हमारे जो इंसुलिन पैनक्रिया जो इंसुलिन बनाता है हार्मोन, उसके लिए जिंक जरूरत पड़ती है। तो जिंक भी ट्रेस एलिमेंट में आता है। तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम 300 प्रकार के ऐसे एंजाइम है जो जिंक के बिना नहीं बन सकते, है ना। तो जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मेजर एलिमेंट की यदि मैं बात करूं तो इसमें आता है ऑक्सीजन जो कि 65%, हाइड्रोजन 18%, कार्बन 9%, नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रोटीन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, ये 4% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। 8 लेसर एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि 3.6% हमारी बॉडी मास के होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था, कैल्शियम मैग्नीशियम, है ना। दूसरा होता है 14 जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो 0.4% प्रेजेंट होते हैं बॉडी मास के। इसका एग्जाम्पल है आयोडीन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोरीन, टीन, सिलिकॉन, मैग्नीज, निकेल और सेलेनियम। सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ओवा होता है ना, ओव्यूलेशन, आपने ऊजेनेसिस पढ़ी होगी। ऊजेनेसिस कहाँ पर होती है? ओवरीज में। ओवरीज में ओवा के प्रोडक्शन को ऊजेनेसिस कहते हैं। तो ओवा की जो मेम्ब्रेन रहती है उसके प्रोडक्शन के लिए सेलेनियम बहुत जरूरी होता है। तो कुछ इनफर्टाइल कपल्स में सेलेनियम भी दिया जाता है मिनरल न्यूट्रिशन के रूप में। कैल्शियम की हमारी बॉडी में नीड कितनी है, इन्फेंट पे नीड कितनी है ना। तो इन्फेंट में नीड होती है इसकी 30 ग्राम। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, जो तुरंत पैदा हुआ बच्चा है उसमें भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और जो बच्चा पेट में पल रहा है ना, फीटस के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो जब बच्चा पेट में होता है तो माँ से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी कैल्शियम की नीड बढ़ जाती है। तो इन्फेंट को कितनी नीड है? 30 ग्राम। और फीटस डेवलपमेंट के लिए कितनी नीड है? 30 ग्राम। फीटस डेवलपमेंट मतलब मदर को देंगे तो बच्चे तक पहुंचेगा। लैक्टेटिंग मदर क्या होती है? जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, डिलीवरी के बाद 6 महीने तक बच्चा माँ के दूध पे रहता है। जब वो दूध पिलाती है तो उन माताओं को हम लैक्टेटिंग वुमेन कहते हैं। तो लैक्टेटिंग वुमेन को कैल्शियम की नीड बढ़ जाती है, 1500 mg पर डे के आसपास लगता है। और एक एक और कंडीशन है, जब बच्चे पैदा होते हैं ना तब भी उनको कभी कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो उनको एडिशनली कैल्शियम देना पड़ता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट कैंप्स लगाती है, उस कैंप में बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, विटामिन ए के सिरप्स देती हैं। तो ये सब इसलिए कि बच्चे कुपोषित ना हो, किसी भी बच्चे में कोई न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इस वजह से उनका ब्रेन हो सकता है डेवलप ना हो या उनकी ग्रोथ रुक जाए। तो न्यूट्रिशन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, है ना, बिना एनर्जी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी हमारी बॉडी है, यदि एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। हाइपोकैलेमिया क्या होता है? यदि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो उसको हाइपोकैल्सेमिया कहते हैं, है ना, और बढ़ जाए तो हाइपरकैल्सेमिया। पीटीएच हार्मोन मैंने आपको बताया था, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं आयरन की। आयरन ह्यूमन बॉडी में 3 to 4 ग्राम प्रेजेंट होता है फेरेटिन और फेरस के फॉर्म में। और आईसीएमआर के गाइडलाइन के हिसाब से एडल्ट को कितना आयरन चाहिए? 17 mg पर डे। फीमेल को 21 mg। फीमेल को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस वजह से लगता है। और प्रेग्नेंट वुमेन को भी आयरन की नीड बढ़ जाती है, 35 mg पर डे के हिसाब से देते हैं। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से गाइटर घेंगा रोग होता है, जो कि गला जिसमें स्वेलिंग हो जाती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है, थायरोक्सिन की कमी। और इसकी नीड कितनी होती है? बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, 1 mg पर वीक। तो एक सप्ताह में केवल 1 mg चाहिए, तो बहुत ही कम अमाउंट है। और एडल्ट बॉडी में जिंक की यदि बात करें तो ये 1 से 2 ग्राम के बीच में प्रेजेंट रहता है। ये ट्रेस एलिमेंट होता है और 300 प्रकार के एंजाइम में पार्टिसिपेट करता है उसके प्रोडक्शन में। जिंक की नीड कितनी होती है? प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए 20 mg पर डे के हिसाब से, और हेल्थी एडल्ट को चाहिए 15 mg पर डे के हिसाब से। आपने देखा होगा दस्त लग जाते हैं पेशेंट को, तब भी जिंक के टेबलेट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो जिंक दस्त को भी कंट्रोल करता है। और जिंक के यूजेस क्या है? वूंड हीलिंग में हेल्प करता है। और इसके सोर्सेज हैं, ये हमको बाजरा से मिलता है, बार्ले से मिलता है,
मिल्क मिल्क से मिलता है, मिल्क को कंप्लीट फूड कहा गया है। मिल्क एक ऐसा फूड है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन भी होता है, कार्ब्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा गया है। एग में भी काफी न्यूट्रिशियस होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए एग, है ना, और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है आपका दाल और मीट और चिकन। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो लोग दाल खा सकते हैं, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज से भरपूर प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोटीन से हमारी बॉडी में हार्मोन बनते हैं और एंजाइम बनते हैं और न्यूरो ट्रांसमीटर बनते हैं, और यदि इनकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी काम ही नहीं करेगी। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के डिसबैलेंस से हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना, कन्वर्जेंस आ सकते हैं, मिनरल का हमने इंडिविजुअली सोर्स क्या है और उनकी डिफिशियंसी से कौन से डिसीज डिसऑर्डर हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनी वन ऑफ यू। चलिए ठीक है ना, इट्स इनफ फॉर टुडे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे।